तो दोस्तों रेडमी ने एक नया फ़ोन इंडिया में लॉन्च करने वाला है 20 मई को। आज 16 मई हो गया और 4 दिन बाद इंडिया में रेडमी की तरफ से और एक नया फ़ोन लॉन्च होगा जिसका नाम है रेडमी नोट 7S। तो रेडमी की तरफ से पोको F2 या फिर रेडमी K20 Pro आ रहा है। उसका डेट अभी तक पता नहीं, लेकिन आज सुबह मनु कुमार जैन ने एक ट्वीट किया है कि 48 मेगापिक्सल के साथ एक नया फ़ोन लॉन्च करने वाला है जिसका नाम होगा रेडमी नोट 7S। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये रेडमी नोट 7S क्या है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है और इसका प्राइस क्या हो सकता है। तो दोस्तों नया वीडियो में फिर से आपको स्वागत करते हैं, मैं नहीं और आप देख रहे चैनल टेक्निकल एमनी। तो चलिए देख लेते हैं रेडमी नोट 7S का सारे डिटेल्स। दोस्तों आज सुबह मनु कुमार जैन जो रेडमी का इंडियन CEO है वो एक ट्वीट किया कि 48 मेगापिक्सल के साथ और एक फ़ोन लॉन्च करने वाला है जिसका नाम होगा रेडमी नोट 7S और 48 मेगापिक्सल फॉर एवरीवन। ये एक टैगलाइन उन्होंने दिया है इसमें। तो 48 मेगापिक्सल के साथ और एक फ़ोन आ रहा है जो है रेडमी नोट 7S। तो पहले ही तो रेडमी नोट 7 और रेडमी नोट 7 Pro रिलीज कर दिया था इंडिया में। रेडमी नोट 7 Pro में 675 प्रोसेसर के साथ आपका 48 मेगापिक्सल कैमरा वाला फ़ोन आ गया था और रेडमी नोट 7 में था 660 और उसमें 12 मेगापिक्सल का कैमरा था। रेडमी नोट 7S क्या है? रेडमी नोट 7S एक्चुअल मेरे ख्याल से ये है चाइना में 2 महीने पहले जो फ़ोन लॉन्च हुआ था, रेडमी नोट 7 नाम देके जो फ़ोन रिलीज हुआ था 660 प्रोसेसर के साथ 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा। तो वही वाला फ़ोन इंडिया में आ रहा है रेडमी नोट 7S करके, क्योंकि रेडमी नोट 7 तो इंडिया में आ गया है, उसका प्रोसेसर था 660 लेकिन उसका कैमरा था 12 मेगापिक्सल के साथ 5 मेगापिक्सल और रेडमी नोट 7 Pro 48 मेगापिक्सल के साथ 675 वाला प्रोसेसर आया था। और चाइना में भी आपका रेडमी नोट 7 Pro लॉन्च हुआ था 675 प्रोसेसर के साथ 48 मेगापिक्सल कैमरा। तो अभी चाइना में जो लॉन्च हुआ था रेडमी नोट 7 जिसमें था आपका 660 वाला प्रोसेसर और 48 मेगापिक्सल कैमरा, तो 660 प्रोसेसर तो 48 मेगापिक्सल कैमरा सपोर्ट नहीं करता, जैसा 675 भी नहीं करता है, लेकिन वो प्रोसेसिंग करके 48 मेगापिक्सल जैसा आउटपुट दे सकता है। तो वही वाला फ़ोन इंडिया में फिर से लेके आने वाला है रेडमी ने जिसका नाम होगा रेडमी नोट 7S। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो है स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर के साथ 3GB 32GB 4GB 64GB वाला वेरियंट आएगा और 6.3 इंच जैसा रेडमी नोट 7 या रेडमी नोट 7 Pro सेम लुक होगा। पीछे ग्लास डिज़ाइन देखने को मिलेगा, सामने भी आपको गोरिल्ला ग्लास 5, पीछे भी गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। सिर्फ रेडमी नोट 7 से रेडमी नोट 7S के साथ यही फ़र्क होगा, सिर्फ कैमरा रहेगा 48 मेगापिक्सल। फिर रेडमी नोट 7 Pro के साथ इसका मेन डिफरेंस रहेगा, उसमें रहेगा 675 प्रोसेसर, इसमें रहेगा 660 प्रोसेसर। तो रेडमी नोट 7 और रेडमी नोट 7 Pro के बीच ये फ़ोन बिलोंग करता है और इसका प्राइस हो सकता है आपका 3GB 32GB वाला वर्सन का प्राइस हो सकता है 10,999 और 4GB 64GB वाला वर्सन का प्राइस हो सकता है आपका 12,999, क्योंकि प्राइस तो इसका बीच में ही रहेगा जो कि रेडमी नोट 7 से थोड़ा ऊपर और रेडमी नोट 7 Pro से थोड़ा सा नीचे। तो यही प्राइस हो सकता है रेडमी नोट 7S का और 20 मई को आपको पूरा पता चल जाएगा, 2 दिन बाद उसका सेल शुरू हो जाएगा शायद फ्लिपकार्ट में। तो देखते हैं रेडमी नोट 7S क्या करते हैं मार्केट में आगे, पता नहीं क्या करेगा क्योंकि ऑलरेडी 48 मेगापिक्सल वाला फ़ोन है और 660 प्रोसेसर वाला भी फ़ोन है और रियलमी भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, फिर रेडमी ने क्यों इसको लेके आ रहा है वो किसी को पता नहीं है। तो देखते क्या होता है। तो रेडमी नोट 7S का यही था डिटेल्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं ऐसे वीडियो रोज़ लेकर आता हूँ। तो दोस्तों इतना ही, बाय।